क्या ले दोस्तों दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। हर हफ्ते बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं। आप स्मार्ट टीवी की बात कर लीजिए, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट बैंड्स, दोस्तों बहुत सारी चीजें लॉन्च होती हैं। अब सारी चीजें तो हम कवर नहीं कर पाते और सारी चीजें आप देख भी नहीं पाते, तो दोस्तों जो चीजें रह गई है, जो गैजेट्स दोस्तों मिस हो चुके हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम एक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों यहाँ पे हर हफ्ते मंडे के दिन दोस्तों। आपको लास्ट वीक में मिस हुए सारे गैजेट्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाई जाएगी। अब से हर मंडे अब से आपको टेक मिस्ड के नाम से दोस्तों हमारी एक नई सीरीज मिलने वाले, जिसमें आपके मिस किए गए सारे टेक गैजेट्स हम लेके आए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवल टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं टेक व्हिच यू मिस्ड। दोस्तों लास्ट वीक के पहले दिन यानी 7 मार्च को यहाँ पे एक टीवी की सीरीज लॉन्च की गई, व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यूलेट टीवी, एक 4K टीवी। इस टीवी की सीरीज में दोस्तों 3 टीवी यहाँ पे लॉन्च किए गए, 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच। अब अगर यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए, यहाँ पे 74,999 से लेके 179,999 का प्राइस है दोस्तों। काफी कमाल के एंड्रॉयड टीवी है दोस्तों, काफी स्मार्ट है, सारे ऑप्शन आपको इनमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 8 मार्च की बात की जाए तो काफी सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च हुई 8 मार्च को। सबसे पहले हम बात करेंगे LG के क्रोमबुक के बारे में, एक 2-in-1 लैपटॉप जो 360 रोटेट होता है दोस्तों। यहाँ पे एज ए टैबलेट भी आप उसको यूज कर सकते हैं, एज ए कंप्यूटर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। 11.2 इंच का ये लैपटॉप दोस्तों तकरीबन 43,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर दूसरी चीज की बात की जाए, गार्मिन इंस्टिंक्ट 2 की सीरीज भी लॉन्च की गई, एक स्मार्ट वॉच जो आपको अनलिमिटेड बैटरी लाइफ देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गार्मिन का कहना है कि अनलिमिटेड बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें आपको 45mm का डायल देखने के लिए मिलेगा, 41,000 से लेके 49,000 तक की इसकी रेंज रखी गई है, मतलब यार काफी हाई है। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। अब दोस्तों अगर आपको पता हो तो एप्पल का 8 तारीख को एक इवेंट हुआ था, जिसमें उसने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इवन आईफोन SE 2022 वेरिएंट भी उसी में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों उसके साथ लॉन्च हुआ था मैक स्टूडियो के 2 वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च हुए, M1 मैक्स और M1 अल्ट्रा। अब अगर M1 मैक्स की बात की जाए, बेस वेरियंट है जो 1,89,999 रुपीज से आपको मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों जो अल्ट्रा वेरियंट है वो 3,89,999 रुपीज में आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे अगर 3 लाख वाले वेरिएंट की आप बात करेंगे, उसमें 1 TB SSD आपको मिलती है, और यहाँ पे अगर बात की जाए 1,89,000 वाले वेरिएंट की, तो उसमें आपको 512 GB SSD देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 9 मार्च की हम बात करें, 9 मार्च को भी 2 ऐसे गैजेट्स है जो काफी अच्छे रहे दोस्तों। वीवो का एक फोन लॉन्च हुआ, वीवो Y01, जिसमें आपको MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर देखने के लिए मिला, 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिली। काफी डिसेंट फोन है, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिला। यहाँ पे दोस्तों सेम डे आपको हवाई मेटबुक 16 लैपटॉप भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 2.5K का डिस्प्ले मिल रहा है और विंडोज 11 यहाँ पे उसके साथ मिल रही है। ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों 9 मार्च को मिस हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10 मार्च को बात करेंगे, 10 मार्च को काफी सारे ऐसे गैजेट्स जो मिस हुए होंगे दोस्तों। यहाँ पे रियलमी 9 की एक सीरीज लॉन्च हुई 5000mAh की बैटरी के साथ, रियलमी टेक लाइफ वॉच S100 कलर डिस्प्ले के साथ यहाँ पे लॉन्च हुई थी दोस्तों 10 तारीख को। काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है दोस्तों, काफी डिसेंट प्राइस के साथ यहाँ पे ये लॉन्च हुई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो इन्फिनिक्स X3 स्मार्ट टीवी डॉल्बी स्टूडियो स्पीकर के साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ, जिसमें आपको SDR10 की भी सपोर्ट देखने के लिए मिली। यहाँ पे दोस्तों अगला हायर OLED प्रो टीवी 65 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी दोस्तों ये लॉन्च हुआ, ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट दोस्तों। अगर आपको किसी भी वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, मैं बना दूंगा। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों टॉप प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जो बहुत बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो 11 तारीख की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट यहाँ पे 11 तारीख को लॉन्च हुआ था वो सैमसंग गैलेक्सी S22 हुआ था। जी हाँ दोस्तों, S22 के प्रोडक्ट्स दोस्तों सेल के लिए अवेलेबल हो गए थे यहाँ पे 11 मार्च को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट हुआ हवाई नोवा 9S, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिला, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिली। काफी अच्छा है स्मार्टफोन दोस्तों ये भी। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट हमारे लिस्ट में निकल के आता है लिनोवो। दोस्तों 11 तारीख को लिनोवो के 2 लैपटॉप लॉन्च हुए, लिनोवो थिंकपैड E14 और E15। दोनों में आपको AMD का प्रोसेसर देखने के लिए मिला, काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। फिर से बताना चाहूंगा, ये सारे
सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, वो टेक हैं जो आप मिस कर चुके हैं लास्ट वीक, और ये नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसको और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पे दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो, आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे उस पर पूरी वीडियो आपको बना दें, आपके लिए बना दें दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये नई सीरीज हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड ब्लेस यू, बाय बाय।